हेलो दोस्तों, अविवेक एजुकेशन में मैं अरविंद मकवाना आप सबका स्वागत करता हूँ। गवर्नमेंट जॉब की एग्जाम के लिए हर रोज नए वीडियो और नई जानकारी पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू में दिए बेल को प्रेस करें ताकि आने वाले जितने भी वीडियो है आप तुरंत ही देख पाए, आपको वेट नहीं करना पड़े। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे प्रमुख क्रांतियां और फसलों के उपनाम, जैसे कि नीली क्रांति तो मत्स्य उत्पादन से संबंधित है, परामनी क्रांति भिंडी उत्पादन से संबंधित है, मसालों की रानी किसे कहा जाता है, इलायची को। तो एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले जो प्रश्न है वो आज की वीडियो में हम देखेंगे, प्रमुख क्रांतियां और फसलों के उपनाम। आगे बढ़ते हैं। प्रमुख क्रांतियां, तो प्रमुख क्रांतियां देखें, उससे पहले मैं आपको बता दूं, लास्ट में आपकी टेस्ट भी ले जाएगी इसी वीडियो में से, आपको वहां पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अच्छी तरह से वीडियो देखिएगा और लास्ट में टेस्ट देके आप अपना नॉलेज भी बढ़ा सकते हैं और आपको कितना याद रहता है वो भी आप चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले प्रमुख क्रांतियां, हरित क्रांति किससे संबंधित है, खाद्यान्न उत्पादन से। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति किससे संबंधित है, मत्स्य उत्पादन से। हरी क्रांति जो है वो उर्वरक उत्पादन से संबंधित है, भूरी क्रांति। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है, पीली क्रांति। तो इसमें हम एक नजर मार लेते हैं, हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन, रजत क्रांति अंडा उत्पादन और पीली क्रांति तिलहन उत्पादन। आगे देखते हैं। कृष्ण क्रांति बायोडीजल उत्पादन। लाल क्रांति टमाटर और मांस उत्पादन से संबंधित है। गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन से संबंधित है। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से संबंधित है। सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से संबंधित है। अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है। और धसर या स्लेटी क्रांति सीमेंट से संबंधित है। तो इस पे एक नजर मार लेते हैं हम, कृष्ण क्रांति बायोडीजल उत्पादन, लाल क्रांति टमाटर या मांस उत्पादन, गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन, बादामी क्रांति मसाला उत्पादन, सुनहरी क्रांति फल उत्पादन, अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित और स्लेट क्रांति सीमेंट से संबंधित है। आगे देखते हैं। गुल क्रांति किससे संबंधित है, आलू से। इंद्रधनुषीय क्रांति किससे संबंधित है, तो सभी क्रांतियों पर निगरानी रखने हेतु तो कौन सी है, इंद्रधनुषीय क्रांति। सनराइज यानी सूर्योदय क्रांति किससे संबंधित है, तो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के विकास के हेतु सनराइज या सूर्योदय क्रांति हुई थी। गंगा क्रांति भ्रष्टाचार के खिलाफ सदाचार पैदा करने हेतु। सदाबहार क्रांति जैव तकनीकी के लिए। सफ्रोन क्रांति किससे संबंधित है, केसर उत्पादन से। तो एक नजर मारते हैं हम, गोल क्रांति आलू से, इंद्रधनुषीय सभी क्रांतियों पर निगरानी हेतु, सूर्योदय क्रांति इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के विकास के हेतु, गंगा क्रांति भ्रष्टाचार के खिलाफ सदाचार पैदा करने हेतु, सदाबहार क्रांति जैव तकनीकी के हेतु और सफ्रोन क्रांति केसर उत्पादन से संबंधित है। सबसे ज्यादा केसर का उत्पादन कहां पे होता है, जम्मू कश्मीर में। सलेटी या फिर ग्रे क्रांति उर्वरकों के उत्पादन से संबंधित है। हरित यानी सोना क्रांति, हरित सोना क्रांति बांस उत्पादन से संबंधित है। मक्का क्रांति मोटे अनाजों के संबंधित उत्पादन से संबंधित है। परामनी क्रांति भिंडी उत्पादन से संबंधित है। मरीन गोल्ड क्रांति चाय उत्पादन से संबंधित है।
तो एक नजर मारते हैं इस पे। ग्रे क्रांति उर्वरकों के उत्पादन के लिए, हरित सोना क्रांति बांस उत्पादन से संबंधित, मक क्रांति मोटे अनाजों के उत्पादन से, परामनी क्रांति भिंडी उत्पादन से और मरीन गोल्ड क्रांति चाय उत्पादन से संबंधित है। आगे देखते हैं, खाकी क्रांति चमड़ा उत्पादन से संबंधित है, व्हाइट गोल्ड क्रांति कपास उत्पादन से संबंधित है और ये तीसरी क्रांति थी। एनएच क्रांति स्वर्णिम चतुर्भुज योजना से संबंधित है। खाद्य श्रृंखला क्रांति भारतीय कृषकों की 2020 तक आमदनी दोगुना करने से संबंधित है। तो खाकी चमड़ा उत्पादन, व्हाइट गोल्ड क्रांति कपास उत्पादन, एनएच क्रांति स्वर्णिम चतुर्भुज योजना और खाद्य श्रृंखला क्रांति भारतीय कृषकों की 2020 तक आमदनी को दोगुना करने हेतु है। आगे देखते हैं, फसलों के उपनाम में देखेंगे हम राजा। फसलों के उपनाम में क्या देखेंगे? राजा। देखते हैं, दालों का राजा कौन है, किसे कहा जाता है? चना को। फिर फलों का राजा किसे कहते हैं? आम को। फलों का राजा, यहां पे फूलों का राजा आएगा, गुलाब को कहते हैं। मसालों का राजा प्रकृति का आश्चर्य या मिर्च को कहा जाता है। अनाजों का राजा चावल को कहा जाता है। तो यहां पे देख लेते हैं हम, दालों का राजा चना, फलों का राजा आम, फूलों का राजा गुलाब, यहां पे फूल आएगा, फूलों का राजा गुलाब है ये, और मसालों का राजा मिर्च और अनाजों का राजा चावल। आगे देखते हैं, मोटे अनाजों का राजा ज्वार, शीतोष्ण फलों का राजा सेब, सूखे मेवों का राजा बादाम, चारे की फसलों का राजा बरसीम, जगों का राजा कीट, जगों का राजा है टिक। फसलों के उपनाम में हम देखेंगे रानी। उससे पहले इस पे एक नजर मार लेते हैं, क्या क्या हमने देखा पिछली स्लाइड में? मोटे अनाजों का राजा ज्वार, शीतोष्ण फलों का राजा सेब, सूखे मेवों का राजा बादाम, चारे की फसलों का राजा बरसीम और जगों का राजा टिक। तो याद रखते जाएगा, टेस्ट में भी आपको इसमें से पूछा जा सकता है। फसलों के उपनाम में रानी देखेंगे, हमने पहले राजा देखा, अब देखेंगे रानी। दालों की रानी किसे कहा जाता है? मटर को कहा जाता है। फलों की रानी लीची को कहा जाता है। फलों की रानी ग्लैडियोलस को भी कहा जाता है। मसालों की रानी इलायची है। अनाजों की रानी मक्का को कहा जाता है। तो क्या देखा हमने? दालों की रानी मटर, फलों की रानी लीची है और फलों की रानी ग्लोडियोलस भी है। तो दोनों याद रखिएगा, मसालों की रानी इलायची, अनाजों की रानी मक्का है। आगे देखते हैं, तिलहनी फसलों की रानी है तिल। पेय पदार्थों की रानी है चाय। तो ये दो भी याद रख लीजिए, तिलहनी फसलों की रानी तिल और पेय पदार्थों की रानी चाय। आगे देखते हैं, अब आपकी टेस्ट, जो हमने वीडियो देखा उसी में से आपको यहाँ पे चार क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। उससे पहले अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने सभी दोस्तों को वीडियो शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बाकी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बाजू में दिए हुए बेल को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले जितने भी वीडियो है आप तुरंत ही देख पाए, आपको वेट नहीं करना पड़े। और
इस वीडियो की पीडीएफ पाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक है प्लस व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी दी हुई है, तो वहां पे ज्वाइन होकर आप फ्री में इसकी पीडीएफ पा सकते हैं। और अगर वहां पे लिंक से नहीं हो पा रहा तो इस नंबर पे ज्वाइन लिख के व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं आपको यहां से लिंक भेज दूंगा, आप उसमें जुड़ पाएंगे। और इस चैनल पे 150 से भी ज़्यादा वीडियो अवेलेबल है, आप वीडियो अपना जो चैनल है चैनल अभी में एजुकेशन पे आप क्लिक करके वीडियोज में जाके सारे वीडियो देख सकते हैं और प्लेलिस्ट में जाके सब्जेक्ट वाइज भी वीडियो देख सकते हैं। टेस्ट में बात करें तो रजत क्रांति किससे संबंधित है, फलों की रानी किसे कहा जाता है, फलों का राजा किसे कहा जाता है और सफ्रोन क्रांति किससे संबंधित है, तो चारों क्वेश्चन के आंसर आपको क्रमशः कमेंट बॉक्स में देने हैं, जिससे मुझे पता चले कितने लोग अच्छी तरह से वीडियो देखते हैं और कितने लोगों को इनका आंसर आता है। आशा रखता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।